बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शिमला पॉइंट एक और एपिसोड डॉक्टर मेज़बान काशिफ मलिक सुंदी खिदमत हाजिर है। जनाब तुसा पता है कि पाकिस्तान बिच मुख्तलिफ मसाइल टिके रहंदे और मुख एक बोहरान टलदा तो दूआ बोहरान आ जुलदा। सैलाब हाले पूरी तरह गया नहीं, उस तो बाद डेंगू फिर सिर चाणा जो शुरू कर छोड़ा। गर्म इलाकों का तो जाहिर मसला हर साल ही होंगे, लेकिन असं दे इलाके खास तौर पर कदम अबटाबाद की गल करा या इस आर्च फेरी इलाकों की गल करा तो इतने ये ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन इस बार हजारे बिच और खास तौर पर अबटाबाद बाद हरिपुर मानसरा इन त्रे शहरों में डेंगू जड़ा इस जड़ा खासे लोगों मुतासर भी किया और कुछ कीमती जाना जाया भी हुई हैं। डेंगू तो बचाओ वास्ते असानी गवर्नमेंट जी है वह कुछ भी करती और खास तौर पर असी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जोड़ा सा जिसकी जिम्मेदारी है स्प्रे करना बाकी वैक्सीनेशन करना होर बीमारियों के हवाले उन्होंने तैयारी कितनी कि और कुछ भी करते हैं, इस सारा कुछ तुम दसने वास्ते इस तो हट के जरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस होंगे एक एक कुछ काम करता है और इन्हों की कारकर्दगी के रही है सारा अपने नाजरी ने दसने वास्ते अज असी मौजूद हाँ जनाब डॉक्टर फैसल खान ज़ादा नाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं एबटाबाद के तो इन्होंने साड़ी गलकत उसी यकीनन तुसा एक अच्छा और मयारी प्रोग्राम देखने से मिल सी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तुसा का कि तुसा केटू टेलीविजन अज टाइम दिता। अच्छा बाकी गलत तुम बाद भी कर सी जरा सा दसो एक तो अच्छा तुसा कोई वैक्सीनेशन शुरू की थी टाइफाइड के हवाले न। अच्छा उस में एक सवाल यह पैदा होंगे कि एबटाबाद या कद यूसीज असं देखा तो पंजा के लगभग यूसी सिर्फ सत्त यूसीज भी तुम वैक्सीनेशन कर रहे हो और दूसरा जी वबा आ गई है डेंगू वाली इस से बचाओ वास्ते के कुछ भी करते हो। बड़ी मेहरबानी जी आज असा को आए हो और साड़ी असा मौका दिता कि असी अपने एबटाबाद के अवाम एक टाइफाइड और डेंगू दे थोड़ी जी असी आगही इन्होंने पैदा करा क्योंकि साढ़े पासे DHO ऑफिस और DHO स्टाफ के जोड़े मकासद ने वो सर्विस प्रोविजन है खास तौर पर प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट्स जोड़े हैं मतलब है जोड़े असी जिन्हें चीज़ों तो बचाव कर रखने उस पर असला मेजर रोल होता है। जिधर तक टाइफाइड का सवाल है जिस बारे में अज तो सारे प्रोग्राम भी रखा है तुसी आए हो, पहले तो असी शुक्रगुजार हाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सारी टीम। असा ने टाइफाइड की बचाओ की मुहिम जी है वैक्सीन की सिर्फ सत्त यूनियन कौंसिल में रखी दी जोड़े कैंट नाल मुलहिक ने शहर का एरिया और इस बिच असा दा टारगेट जी है आबादी तकरीबन टोटल इसकी आबादी 3 लाख और 21,000 के लगभग पूरी आबादी है जिस बिच 1 लाख और 20 या 1,21,000 दी बच्चे साढ़ा टारगेट ने 9 माह तो किन के 15 साल की उम्र तक। असा ने इस बिच 6 यूनियन कौंसल जोड़े 7 यूनियन कौंसल ने इन्होंने असा इस बिच 106 टीम लाई दी ने आज तो अलहमदुल्ला शुरू है और इस बिच तकरीबन 7 MBBS डॉक्टर उसकी सुपरविजन पे कर दें। असा ने AEFI जैसा वैक्सीनेशन एसोसिएटेड एडवर्स जी इवेंट्स होंगे उसका भी डॉक्टर शहजाद की सरबराई बिच असा ने इंतजाम किए दा इन्हें डॉक्टर्स ने ट्रेन किए दा अगर खुदा ना खास्ता पहले तो उसी ना अगर किसी बच्चे मामूली जी रिएक्शन होंगे अगर हो जुलन तो उसका तदारुक किस तरह करना है उसकी इलाज किस तरह करना है इस बिच असा ने इन्हें डॉक्टर्स बाकायदा ट्रेन किया है जो इंजैक्शन पर लाते हैं उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग हुई दी है। और जो सा जो सवाल है कि जी बाकी यूसेज भी क्यों नहीं बाकी यूसेज भी देखो असा ने टारगेट किए देने अर्बन एरियाज शहरी एरियाज और जो देही इलाका जात ने उथे पानी दी जड़ी मौजूद होंदी है मतलब इतना गंदा नहीं मालूदा नहीं पानी आलूदगी नहीं होंदी उथे पोल्यूशन नहीं होंदी उथे गंदगी दे ढेर नहीं होंदे और अर्बन एरियाज बिच क्योंकि एक ए जी माहौल बने दा होंदा कि जिथे ये प्रॉब्लम्स हैं ने सैनिटेशन दे उथे ये टाइफाइड दा जड़ा जरासीम है ये नशोनुमा पांदे टाइफाइड दा जड़ा वायरस है या जरासीम है ये पीने दे पानी दे जरिए इंसानी बॉडी पे जुलदा है या मतलब हवा दे जरिए इस ते जी मुख्तलिफ रूट्स ने गंदा पानी जिहड़ी असी सब्जियां खाने अनकुक्ड जिहड़ी पकी दियां नहीं होंदियां लोग इसी तरह उन्हें अक्सर सलाद विच ये चीज़ा और इस तो इलावा बेसिकली जड़ा है ये निज़ाम हज़म जड़ा है GITs
इनवॉल्व करता है और जुल के फिर बाद में गॉल ब्लैडर में ये जरासीम बह रहा है, जिस तो बाद में अगर इस इरेडिकेट यानी इस हटाया ना जुले, ख़त्म ना किया जुले, ये बार बार रिलैप्स भी करता है कदे कदे। तो इस वास्ते असने अर्बन एरिया ज़्यादा टारगेट किए थे क्योंकि साड़ी जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है हुकूमत का जो अस बनाए दा उस पिच टाइफाइड की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है। मसलन हम मीरपुर का इलाका तुम देखे उसी पिछले दो महीने पहले या महीना पहले इतने एक बहुत बड़ी वबा आई टाइफाइड की। मैं आप और शहजाद साहब अस दो सर्वे किया, कोई 100 तो ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए जिस पे 50 को ज़्यादा उन्हें केसों की असं जिस वेल बाकायदा तहकीक की वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन की किस्म आई उस टाइफाइड की, यानी वो किसी दवाइया उस उत्ते असर नहीं करती होंगी, वो सिर्फ एक इंजेक्शन है मीरोपेनम जड़ा उस पे जड़ा असा सेंसिटिविटी उसकी करवाई तो सिर्फ मीरोपेनम आ वो रिस्पॉन्ड करता है। और मीरोपेनम जड़ा है बहुत महंगा इंजेक्शन है, ये कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुसी असा ने तो उस वेले जो साढ़े को मरीज आए DHQ पे असा फ्री इलाज किया है, लेकिन जो लोग प्राइवेट क्लिनिक्स पे गए हैं असा प्राइवेट क्लिनिक्स भी बड़ा सेंसिटाइज किए कि तुसी असा रिपोर्ट करो, वो आफ्टरऑल उन्होंने एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उन्हें फैमिलीज़ का। डेंगी वाले पास असं आने डेंगी जहर इस वे बहुत ज़्यादा असी और सोशल मीडिया से कदम देखा तो फिर तो वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है, तो इस वास्ते तुम एक तो धुआं जहा मारते होंगे हो तो हूँ कुछ स्प्रे करते हो? देखो जी डेंगी एक साढ़ा पिछले 4-5 साल तो एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू प्रॉब्लम बनेगा। मैं इस पे लोगों की जी अवेयरनेस है उस पे थोड़ा जा इजाफा करना चाहना कि असा को लोग आते हैं कि जी स्प्रे करो, फॉगिंग करो, फॉगिंग करो, फॉगिंग करो, धुआं मारो जी, और यानी जथिया के जथे मेरे को आते हैं वफद की शक्ल में कि जी साढ़े सुजुकी भेजो उत्थे फॉगिंग करो। मैं लोगों ये दसना चाहना कि देखो इस फॉगिंग मटीरियल में जोड़े कैमिकल इस्तेमाल होंगे ना वो खतरनाक ने, साइड इफेक्ट उससे हो सकता है आज ना हो सकता है आज तो 3 साल बाद 4 साल बाद बच्चों के जो खून का निज़ाम है उस बिच कोई एप्लास्टिक अनीमियाज किसी किस्म के कैंसर हो सकता है उभर जुलन। तो मैं लोग आखना होना कि फॉगिंग इतनी रिपीटेड एक बार चलो ठीक है इंसान, लेकिन उस तो इलावा रिपीटेड फॉगिंग बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी इफेक्टिव चीज़ है वो है IRS उस आखते हैं इनडोर रेजिड्यूअल स्प्रे, वो अंदर घर में जड़े दरख्त ने जड़े घास वगैरह है जड़े खलते दा पानी है करे ये सारी चीज़ा इन्हें असी वो स्प्रे करने हैं, ग्रेन्यूल्स ने वो चीज़ा असी इस्तेमाल करने हैं, बाकी प्रिवेंशन नाले बेड नेट्स की प्रोविजन भी है। वो तुसों को लिक्विड शेप पे चांदी है या तुसी आप पानी पाके बना लिक्विड पाने हैं उसमें पेट्रोल डीजल और जड़ा वो दवाई होंगी वो मिक्स। लेकिन एक शिकायत उसी आई है कि भाई उस नाल मच्छर का गुसल तो उजलता है मरदा नहीं जी, बिल्कुल वो बैक्टीरियसाइडल नहीं, बैक्टीरियसाइडल सिर्फ जड़े हैं तुसन दी IRS जी दवाई है ये भी है। और इस तो इलावा मैं तुसा ये आखा कि इसका बेहतर हल सारे को बेहतर हल प्रिवेंशन है, सफाई अपने कार की सफाई रखो, अपने कार की सफाई रखो, जेडे टायर्स ने बेसिकली ये ते आया टायर टायरा नाल आया जी, बिल्कुल टायर नाल आया जी, कराची दे पोर्ट आमद ते जिथे दुकानां ते पेजन पानी ना खलन दे जी जी, फिलीपीन तो बेसिकली इसकी ओरिजिन हुई है फिलीपीन फैल गया पूरी दुनिया, उन एरियाज तो जेडे टायर कराची आए फिर तुरखम गए, तुरखम तो वापस कराची गए, उतों एक केस फैले। ओके डॉक्टर साहब एक निकी जी ब्रेक करने हैं, ब्रेक तो बाद असी बाकी गल्लां भी कर सकते साडे नाल नाज़रीन, एक ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने हैं, साडे नाल रहियो, यकीनन तुसां एक अच्छा ते मालूमती प्रोग्राम देखने वास्ते मिल सी।
जी नाजरीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर सब प्रोग्राम में हरकत दे आखने हैं जी। शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट अजय भट्टाबाद में तो भट्टाबाद में असं डी एच ओ ऑफिस मौजूद हाँ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल खानजादा साढ़े नाल मौजूद हैं, असी नाल गलकत पे करने हैं। पहले जारे ब्रेक तो पहले तुम देखा कि असं टाइफाइड के वाले और डेंगू के वाले गल की। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल लोग डी एच ओ ऑफिस के बारे में लोगों ज़्यादा मालूम नहीं होंगे। डी एच ओ जाहिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तो पता ही है, तुम बुनियादी काम क्या होता है? देखो जी, मेरे को अगर पूछो बुनियादी काम मल्टी डायमेंशनल काम ने, लेकिन बहसीयत डी एच ओ मैं ये समझना कि बुनियादी काम एक डी एच ओ का यह हो कि वो अपनी आबादी कम्यूनिटीज़ जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उस दवाई इलाज कॉस्ट इफेक्टिवली अपने लोगों तक पहुँचावे, ताकि उन लोगों का अंग्रेजी में एक टर्म है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, यानी वो इलाज मालजा उन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी उन्होंने अर्निंग ते उसका इफेक्ट कुछ ना हो। मेरे ख्याल में प्राइमरी मकसद डी एच ओ का बहसीयत एक मुलाजिम और सरकार ने जी पॉलिसीज ने उसे इंप्लीमेंट करना और पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ बिच प्रिवेंशन बस जी अज साढ़े को टाइफाइड और डेंगू ते असं गल की इन चीज़ों की कम्यूनिकेबल डिजीज़ की प्रिवेंशन, आउटब्रेक रिस्पांस जनरेट करना और डिपार्टमेंट्स नाल लाइजान रखना, इस तो इलावा अपने स्टाफ आ फैसिलिटेट करना कि वो सर्विस प्रोविजन ठीक ठीक करन। ये डी एच ओ दे या डी एच ओ ऑफिस दी टीम दे डी एच यू हॉस्पिटल होंगे उस जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो अज उस दिन बी एच यू अज उस दिन आर एच सी अज उस दिन डी टाइप हॉस्पिटल अज उस दिन ये तो आते हैं। अच्छा, इन्हों में मामला तो होंगे कि शिकायत बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में जो बी एच यू वगैरह काम करते हैं। मैं ये गल दसो कि जो एम बी बी एस डॉक्टर है वह कि इस इन्होंने अस्पताल में आंदा है तो कि नहीं आता? देखो जी, साड़ी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और साढ़े जिहड़े हेल्थ मिनिस्टर साहब और साड़ी उन्होंने टीम है, उन्होंने पिछले जिहड़े जितने भी साल गुजरे मैक्सिमम एफर्ट्स कीतियां के हर बी एच यू, हर कैटेगरी डी, हर तहसील अस्पताल और आर एच सी में डॉक्टर्स की मौजूदगी होवे। मैं जिस वे चार्ज किया मैं तो हवेलियां की गल करना, सिर्फ मिसाल चाह देना डी टाइप हवेलियां में उस वक्त हवेलियां में सिर्फ 8-9 डॉक्टर्स होंगे। हूँ तुम जलो हवेलियां देखो उत्थे हर एक स्पेशलिटी का डॉक्टर है, उत्थे कम अज कम असाने 27-28 डॉक्टर्स होने लगे दिन, स्टाफ भी वाफिर है। कैटेगरी डी अस्पताल में उस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं होंगे लिखे दे बाकायदा रिकॉर्ड ते जी। हूँ हवेलियां में सीजेरियंस भी होंगे, हवेलियां में न्यूरोसर्जन भी लगे दे, हवेलियां में मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, हवेलियां में पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट भी है, अल्ट्रासाउंड हवेलियां में नहीं है, अस दो मशीन लाई दी, डॉक्टर भी है, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट लगे दे, ऑल्दो के वो सेंक्शन पोस्टा नहीं, लेकिन हुकूमत ने लोगों सर्विस प्रोविजन आस्ते मैं ये इजाजत दी है कि अगर तेरे को कोई क्वालिफाइड आदमी है तू बेशक ला के उठे, ताकि लोगों तक हवेलियां तो चलो शहर है ना, हूँ ना तुम दूर जाले चलो शेरवान की शिकायत के वे कि तुम्हारी उत्तर जो हॉस्पिटल है उस पर जो इंचार्ज हैं वह हफ्ते में सिर्फ एक बार विजिट करते हैं बाकी नहीं जुलते। जिस वे अपने इस दफ्तर भेजना हो सो तो जाहिर तुम्हारा स्टाफ ही उन्होंने अपनी बादशाही उसी आसन ही ना दफ्तर हाँ, और ये शिकायत तुम्हारे बी एच यूज आर एच सी जितिया भी हैं कुकमंग की मिसाल तुम चक नो ज्यारत मासूम की चक नो असा को जाहिर ये शिकायत पहुंचियां असं तुम्हारा आए हैं तो उन्होंने उत्ते कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम भी तो संदा माँ को बेहतर नज़र नहीं आता, किस तरह तुम मॉनिटर करते हो? फिर कोई बंदा अगर ड्यूटी में कोताही करता है तो उसके खिलाफ के एक्शन देंगे हो? देखो जी, साड़ी जड़ा मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो बड़ा रोबस्ट सिस्टम है और बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट की शक्ल में वो अलग एजुकेशन करते जिस तरह वो एजुकेशन भी करते हैं, बाकी महकमा भी मॉनिटरिंग शुरू हुई दी है, पॉपुलेशन भी करते हैं, असल का भी अपना आई एम यू ए जड़ा एक प्रोविंशियल मैनेजर होंदा है आई एम यू का उसके अंडर काम करते हैं, फिर एक डिविजनल मॉनिटर होंदा है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर होंदा है।
ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰ ਐਚ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਡਿਸਿਪਲੀਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੀ ਐਚ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿਰੇ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ MP ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੇਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਨੂੰ THQ ਮੇਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਲਿੰਦਰ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ CNW ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਨਥਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਅਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਹੈਂਡਿੰਗ ਟੇਕਿੰਗ ਹੋ ਜੂ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ SNE ਮੂਵ ਕਰ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ 40 ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸੋ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ? ਜੀ, ਉਹ SNE ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SNE ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈਂਡਿੰਗ ਟੇਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜੂਲੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਭੇਜੀ ਦੀਏ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਫ ਡਿਪਿਊਟ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਕਤ ਦੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ DHO ਆਫਿਸਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਸਾਂ ਦੇ BHU ਜਾਂ RHC ਜਾਂ D-type ਹੋਸਪਿਟਲ? ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਵਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਟੋਪ ਅਪ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੀਨ ਵਾਇਆ DHO ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ BHU ਤੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ BHUਸਾਂ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਆਪ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਪਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ RHC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਟੇਗਰੀ D ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ BHU ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ BHUਸ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
असां कोल आंदियां और असीं इंशाल्लाह इन्हां दी ये जिहड़ी मेडिसिन तुसां कोल आंदी है इस उत्ते लिखे तां हुंदा नॉट फॉर सेल। अच्छा हुण देहाती इलाके विच ते किसी अंग्रेजी नहीं आती नॉट फॉर सेल होवे, बड़े अरसे दा एक चीज़ लोग आखते हैं और मतलब मीडिया से भी आती है कि बई वो जिहड़ी तुसीं मेडिसिन कहिंदे हो कंपनियां कोलों उसका रंग ही अलग होवे, ग्रीन कलर चाह दिओ उसां तुसीं पिंक चाह दिओ कोई एक मतलब उसका पूरा रैपर जिहड़ा है उसका रंग ही अलग तो होवे ताकि लोगों फिर अवेयरनैस होवे कि बई इस रंग की दवाई जिहड़ी इस रैपर वाली दवाई है ये मेडिकल स्टोर तो किसान तो गलत जी। कोई कोई सिफारिशात है ना जी हूँ तो सड़ा ड्रग जरा मैकेनिजम है ना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी दे अंडर चला गया बाकायदा हूँ डी जी ड्रग तैनात हो गए और उन्होंने ड्रग इंस्पैक्टर्स ने वो डी एच ओ के प्रव्यू में होनी पहले होंगे वो बाकायदा एक मैकेनिजम्स पे बढ़ाते ने भी इन्होंने सारी चीज़ों के उन्होंने सारी चीज़ों का इशू है इशूज़ का पता है और इंशाल्लाह ताला काफ़ी इनकलाबी इकदाम प्रोसेस भेज ने और वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह सरफेस हो। अगर डी एच क्यू को नहीं एक अवेलेबल नहीं उत्साह रिक्वेस्ट कर दें तो हाँ सारी बस बस जगह तो रिक्वेस्ट कर दे चाह दें असं उन्हें लोन बेसिस से चाह दें फिर जिस वे अपनी प्रक्योर करके दें फिर असं मोड़ दें। महंगी है वैक्सीन देखिए जी बिल्कुल महंगी है तकरीबन 700 रुपये का जिस वे दवाइया नहीं टैक्सेस नहीं है इतने 650 तो कह के 700 तक एक वायल होंगे आ इस पिच ये है जरूर मैं ये मनना कि असी पहली डोज लाने बाकी जीडिया चार डोजेस होंगे वो असी रिक्वेस्ट करने जोड़े अफोर्डिंग पेशेंट्स होंगे असी आखने कि तुसी लाओ आप मार्केट तो प्रक्योर करो लेकिन जो गरीब लोग होंगे असी उन्हें कंसिडर करके ने और उन्हें पूरी डोजा ला। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और जी असं आम तौर पर देखिए बाकी ममालिक असी देखा तरक्की याफ्ता ममालिक किसी बंद फार फलंग एरिया पर कोई अटैक हो चलता है सपोज हार्ट अटैक हो गया कोई इस तरह का मसला हो गया कोई मतलब स्ट्रोक हो गया तो उत्थे दे जिहड़ा बुनियादी हैल्थ सेंटर है उत्थे वो फैसिलिटी अवेलेबल होंगी है कि उस इब्तदाई तिबी इमदाद उत्थे मिल जुलती है साढ़े को नहीं एक बंदे शेरवान में खुदा ना खासा कोठियाला या असी गलियात दूर दराज इलाके में किसी हार्ट अटैक होंगे वो तुम शहर तक पहुँच उसका काम होता है इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं कि भाई तुम्हारा बी एच यू है या तुम्हारी डिस्पेंसरी है उत्थे कम अज़ कम एक तो क्वालिफाइड स्टाफ हो दूआ जिंदगी बचाने वाली दवाइया उत्थे मौजूद होवन कि फौरी तौर पर उत्थे रिलीफ मिल जाए। देखो जी साढ़े को मैं तुसा अयूबिया उसकी गल की अयूबिया खानसपुर अस्पताल की तुम होने जाके देखो एक नक्शा बदले दे साल पहले तो मैं देखी तो उत्थे बुरी हालत जरा अज चले चलो बेशक खानसपुर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट लगे रहे एफसीपीएस कार्डियोलॉजिस्ट इस स्टेडियम ना उतरे अस्पताल उतरे जा स्टेडियम ही है क्रिकेट स्टेडियम है जी हां कार्डियोलॉजिस्ट लगे रहे डॉक्टर मोजम ना है उसका और उसकी जिड़ी मरम्मत रिवैम्पिंग एक हेल्थ मिनिस्टर साहब का एक इनिशिएटिव है पीसीएमसी के प्रोजेक्ट के थ्रू एक बड़ा इनकलाबी उन्होंने एक पीसीएमसी का प्रोजेक्ट है उस असने जिस तरह तुसने स्कूल के पीटीसी मॉडल से उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ और डायरेक्ट पैसे देते हैं मेरी एज ए डी एच ओ उन्हें सिर्फ टेक्निकल गाइडेंस ही और उन्होंने अपने काम आप कराए उत्थे अल्हम्दुलिल्लाह अयूबिया खानसपुर में क्योंकि टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है एक्सरे भी है अल्ट्रासाउंड भी है गाइनी भी है डिस्ट्रिक्ट सॉरी एक गायनेकोलॉजिस्ट भी लगी दी है ना ये अपना कार्डियोलॉजिस्ट भी लगे दा है और उत्थे ये सारी सहूलियात हैं आम जिहड़े डिस्पेंसरियां नाम जिहड़े भी है हर एक कैटेगराइजेशन होंदी है डिस्पेंसरीज दी और हर एक हेल्थ फैसिलिटी कोई कैटेगरी कोई डिस्पेंसरी दे लेवल ते प्राइमरी लेवल ते गल होंदी है कोई सब हेल्थ सेंटर दे लेवल ते होंदी है कोई बी एच यू स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज ने हुण एक बी एच यू बिच तुसी सिंपल कार्डियो तुसा हार्ट अटैक दी गल कीती आइडेंटिफाई करना एक मसला के वे उसी वक्त एक दो एस्पिरिन दिया गोलियां चाह देना सिस्टेक चाह देना के और उसका अगर ब्लड प्रेशर आगे पीछे उसका तदारुक ठीक करना उसा अदे उसा रेफर करना क्योंकि देखें हार्ट अटैक ऐसा एक इलाज है जिहड़ा सिवाय टर्शरी केयर या डी एच क्यू लेवल पर होता है बी एच यू बिच उसका सिस्टम नहीं उस बिच जड़ा इफेक्टिव चीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ बी एच यू या प्राइमरी लेवल पे उस समझे ना तुम दफे स्टाफ है उस समझे कि भाई सा ये इशू है तो उसने एस्पिरिन जा दे एग्जैक्टली यही गल है इसी वास्ते असा दे इंशाल्लाह और 97% बी एच यूज पे डॉक्टर्स हैं जिहड़े डॉक्टर्स जिहड़े एमबीबीएस डॉक्टर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिहड़ी जगह दे नहीं
उसकी वजह सिर्फ ये कि जलजले और फ्लड्स साढ़े काफ़ी नुकसान हुए डिग्निफाइड लिविंग नहीं डॉक्टर्स की के या ईवन सारे स्टाफ तुम डॉक्टर्स की गल करते हो वह भी हम इंशाला पाइपलाइन भेजने स्टाफ के बारे जब कोई मतलब शिकायत करना चाहता है तो कोई नंबर तुम नाजरी ना देखते हो कि भाई इस नंबर से रबता करा डायरेक्ट तो रबता हो डिप्टी डॉक्टर शहजाद इकबाल मेरा मोबाइल नंबर भी है जी साढ़े दफ्तर का बी नंबर है 0992 9310192 कोई भी शिकायत हो रजिस्टर कर रखते हैं अपना नंबर अपना ना और अपना कॉन्टैक्ट असी उस वापस पहुँच सकते अच्छा बहुत शुक्रिया वक्त साढ़े को तकरीबन खत्म हो गया एक आखिरी मैसेज तुसी कम्युनिटी देना चाहो हेल्थ के हवाले नाल ते साड़ा प्लेटफॉर्म हाजिर मेरा जी एक अपने एबटाबाद के अवाम जुड़े जुड़े लोग सुनदन पे कि असा सारे टीम मेडिकल प्रोफेशन दे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स खास तौर पे पैरामेडिक्स साड़ी इशारा के चाहे वो LHVs ने चाहे मेडिकल टेक्नीशियंस ने असा बुनियादी मकसद तुसन दी सर्विस है असी रिजक तुसन दी खिदमत तक खाने हैं असा दी जितना भी स्टाफ है मेरा DHO ऑफिस का तुसी उन्हां दी अहमियत उन्हां विच खुद एतमादी पैदा करो अक्सर एक रुझान है एक नैगेटिविटी फैली दी है बहुत ज़्यादा तुसी जितना असा लोकां मेरे डॉक्टर्स हाँ मेरे पैरामेडिक्स हाँ मेरे स्टाफ हाँ तुसी अपनाइयत दसो इंशाल्लाह तुसी देखो असी खिदमत पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल खानजादा नाजरीन अज के प्रोग्राम में जितना कुछ जी बस एक आखिरी गल कर सी जी कि असी बड़े अरसे दा जमाने दा पढ़ते भी आवं सुनते भी आवं कि एहतियात जी इलाज तो बेहतर होंगी तो असं कदम एहतियात करा तो बहुत सारिया बीमारियों तो बच सकते हैं साढ़े ग्रामों में साड़ी खवातीन जीडिया मुख्तलिफ काम कर उन्होंने मजबूरी होंगी है लोगों माल डांगर रखे होंगे फिर उन्होंने सफाई उन्होंने गोहा चाणा बाकी उस तो बाद हथा अच्छे किसी सबून धोके पानी जोड़ा उस उबाल के इस्तेमाल करके सब्जियां जीडिया इस्तेमाल करते उन्हें अच्छी तरह धो के अच्छी तरह पका के इस्तेमाल करो तो यकीन करो बहुत सारिया बीमारियों को बच सकते हो तो बेहतर यही है कि इंसान एहतियात करे तो वह बीमारियों तो बच सकता है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नवे मेजबान नवे मकाम तो फिर हाजिर हो सर काशिफ मलिक सारी टीम दो इजाजत अल्लाह सोने के हवाले।